गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर यूज किया जाता है, उसका एक जनरलाइज इक्वेशन भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उस जनरलाइज इक्वेशन को हम पोजिशन के टर्म में कैलकुलेट किए थे। तो उस पोजिशन वेक्टर से ही हम लोग इसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेट किए थे वो देखें। तो हमारे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रिफरेंस है और वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस सपोज कर ले रहे हैं कि वो एस है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है और जिसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ है, जिसे रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और सपोज कर लेते हैं कि इसी पॉइंट पर कोई एक और फ्रेम ऑफ रिफरेंस है जो कि एक्स प्राइम, जेड प्राइम और वाई प्राइम है और उसका जो सेंटर है या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ओ प्राइम है और उस फ्रेम को हम कह रहे हैं कि एस प्राइम है। और टी इज इक्वल टू जीरो पर ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के इसी पॉइंट पर कॉइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन टी टाइम के बाद क्या है कि या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है ये वी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने लगा और वी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है या यहां पर आ गया एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम यहां आ गया और इसका जो सेंटर है वो ओ प्राइम यहां आ गया और एस प्राइम फ्रेम है जिसकी वी स्पीड से चल रहा है तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड है। तो मेरा जो एक्स प्राइम है वो चलने लगा, जब वो चलने लगा तो यहां से उसको हटाना होगा, यहां से वाई प्राइम को हटाना होगा ये, क्योंकि वी स्पीड से एस प्राइम मेरा चल गया है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस एस प्राइम फ्रेम में कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम पी है और उस पार्टिकल को जब यहां से देखा गया तो उसका जो कोऑर्डिनेट आया वो एक्स वाई और जेड और टी, और जब एस प्राइम से देखा गया तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम और टी प्राइम आया। इस तरीके से उस पी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, इस पी पार्टिकल को जब ओ से देखा गया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आया, पोजीशन वेक्टर वो आर आया और जब ओ प्राइम से देखा गया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर कितना आया, आर प्राइम है, आर प्राइम है। क्योंकि हमारा जो ये जो फ्रेम है ये वी कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है और टी टाइम में यहां पहुंचा है तो ये जो बनने वाला है वो कितना बनेगा, वो बनेगा वी इंटू टी बनेगा। और इस रिफरेंस में अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर आर प्राइम प्लस वी टी हो जाएगा। इस तरीके से मुझे एक पोजीशन वेक्टर के टर्म में इस टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। आर जो है वो क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द एस फ्रेम, और आर प्राइम क्या है, ओ प्राइम की फ्रेम के रेस्पेक्ट से पोजिशन वेक्टर है इस पार्टिकल पी का, और v जो है वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ द s प्राइम फ्रेम का है और t जो है वो टाइम जिसने इस s प्राइम फ्रेम ने जो t टाइम लिया है यहां से और यहां तक आने में। इस तरीके से पूरा जो इक्वेशन है एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन टाइम अगर देखें तो टाइम के लिए अगर देखें तो t इज इक्वल टू टी प्राइम लेंगे, क्यों t इक्वल टू टी प्राइम क्यों ले रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सा रीजन है और वो मैं पहले भी बता चुका हूं इससे पहले के लेक्चर में जिसमें हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि अगर दो भाई हैं और मान लो कि कोई एक भाई अपने घर में ही रुका हुआ है और कोई दूसरा भाई कहीं मूव कर रहा है और वो 5 बजे से मूव करना स्टार्ट किया और 1 घंटे बाद छोटे भाई के पास फोन मिला के कहता है कि आपकी घड़ी में कितना बचा है, तो ये नहीं कहेगा जो घर पर है कि मैं रुका हूं तो मेरे घड़ी में अभी भी 5 ही बज रहे हैं, उसके भी घड़ी में वो 6 बज गए होंगे अगर 1 घंटे बाद उसने फोन किया है और एक उसके घड़ी में जो घूम रहा है उसके भी घड़ी में 6 ही बज गए होंगे। तो टाइम आपके मोशन होने से या ना होने से लो वेलोसिटी वर्ल्ड में अगर देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम दोनों का सेम ही रहता है, खासकर लो वेलोसिटी वर्ल्ड की है हम बात कर रहे हैं तभी, अदरवाइज जब हम लोग हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसमें टाइम चेंज हो जाता है जिसे हम टाइम डायलेशन बोलते हैं। लेकिन लो वेलोसिटी वर्ल्ड में हमारा जो टाइम है वो ना तो डायलेट होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, टाइम कांस्टेंट ही होता है। तो किसी भी फ्रेम में आप रहिए वो टाइम आपका सेम ही रहने वाला है, तो पोजीशन और टाइम का ये एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन हमारी जो हेडिंग है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल,
तो ये हमें देखना है। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग, इसी इक्वेशन का हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों को कंबाइंड रूप से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट को। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट डी आर अपॉन डी, या हम सबसे पहले टाइम को हम करें तो डी टी इज इक्वल टू डी टी प्राइम, और इससे अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो डी आर अपॉन डी टी और डी आर प्राइम अपॉन डी टी, और प्लस वी मेरा कांस्टेंट है, वी मेरा कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। अब बेटे एक बात बताइए कि मैंने डी टी को टी प्राइम के इक्वल लिखा है जब इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डी आर डी टी इज इक्वल टू डी आर प्राइम इज इक्वल टू डी टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, डी टी प्राइम और प्लस वी। यहां पर बेटे ये जो डी आर बाई डी टी है ये क्या है, ये है वेलोसिटी, या मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यू से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसे u प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और प्लस इसे v से लिख रहा हूं। यहां पर जो मेरा ये u है ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू s फ्रेम, और ये जो u प्राइम है ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द s प्राइम फ्रेम, ये s प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व किया हुआ वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, और ये जो s फ्रेम से ऑब्जर्व किया हुआ वेलोसिटी है इस पार्टिकल का वो u है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि u इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा, और अगर इसका इनवर्स रिलेशन लिखूं तो u प्राइम इज इक्वल टू u और माइनस वी आ जाएगा, ये इनवर्स रिलेशन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया है, तो आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस दो फ्रेम के रिलेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या लेना होगा कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये मैं यहां पर चाहे इसी का कर दूं और चाहे इस एक्सप्रेशन को ले लेता हूं, एक्सप्रेशन नंबर सेकंड को लेता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से मैं क्या करता हूं कि इसी को फिर से एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो यहां पर क्या मिलने वाला है, डी यू अपॉन डी टी और डी यू प्राइम अपॉन डी टी और प्लस वी, यहां से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही भी बता दिया कि एस प्राइम फ्रेम जो है वी स्पीड से चल रहा है जो कि कांस्टेंट है, तो जब भी उसका टी के साथ डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा। और यहां से ये क्या निकल कर आया कि ये एक्सेलरेशन आ गया और इक्वल टू ये ए प्राइम एक्सेलरेशन आ गया, और आपको पता होना चाहिए यहां पर मैं बेसिकली इस डी टी को डी टी प्राइम भी लिख सकता हूं, डी टी और डी टी प्राइम भी लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन किया है इस इक्वेशन से यहां पर मैं लिख सकता हूं, तब आएगा ये ए इक्वल टू ए प्राइम। ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द एस प्राइम फ्रेम, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन है एस के रिस्पेक्ट में, और ए प्राइम क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द एस प्राइम फ्रेम। तो हमने क्या देखा कि किसी एक पॉइंट पर अगर मैं खड़ा हूं और किसी एक पॉइंट पर खड़ा हूं और किसी एक पार्टिकल को देख रहे हैं जो कि दूसरे किसी फ्रेम में है और उसका एक्सेलरेशन ए है, और किसी दूसरे फ्रेम में खड़े होकर मैंने देखा कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फिर से ए ही आ गया, और वो दोनों एक्सेलरेशन चूंकि सेम है तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में चाहे जितने भी पार्टिकल हों और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से अगर देख रहा हूं और उनका एक्सेलरेशन सेम आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो चाहे जितने भी डिफरेंट फ्रेम्स हैं सब में एक्सेलरेशन चूंकि ए ही आया है या सेम ही आया है तो वो सब के सब एक इनर्शियल फ्रेम होंगे। ये इस बात का पुख्ता एकदम सबूत है कि सब के सब कैसे फ्रेम होंगे, वो एक इनर्शियल फ्रेम होंगे। यहां के लिए मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी इज नॉट इन वेरिएंट, यहां पर मैं अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन
under the Galilean transformation, velocity is not invariant. वेलोसिटी क्या होता है, इन इज नॉट इनवेरिएंट होता है. अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट, यानी कि ये जो है गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज है, और यहां पर ये जो ए है उस इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ए, जो है इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एस फ्रेम है, और एस ए प्राइम जो है वो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल वो एस प्राइम फ्रेम से है. या हम ऐसे भी कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देखकर कि एक्सेलरेशन मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम इज द सेम, हेंस वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमने क्या देखा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इनवेरिएंट होता है, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है वो नॉट इनवेरिएंट होता है. तो दीज आर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू बेटा.